Hello students, how are you all? From this video, we will study about transcription in eukaryotes, okay? In previous video, I was telling you about transcription in prokaryotes, clear? And you know very well, in case of prokaryotes, transcription process takes place in cytoplasm. But in case of eukaryotes, transcription process takes place in the nucleoplasm or karyolymph that present in the nucleus, okay? फिर बात थी अपनी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बेटा उनमें एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है ना वही हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए लाइक आरआरएनए एमआरएनए एसएनआरएनए टीआरएनए ओके बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्लियर लाइक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ठीक है आप देखें जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स हेल्प टू फॉर्म राइबोसोमल आरएनए ठीक है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस ठीक है अब इसमें क्या है कि जो आरएनए है बेटा इट कंसिस्ट राइबोसोम और यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम 70S एंड 80S अब हम यहां बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की तो हम जो 80S टाइप राइबोसोम होता है बेटा इट अकर्स इन यूकैरियोट्स ठीक है और जो 80S टाइप राइबोसोम है It has two units, 40S and 60S, ठीक है तो आप देख लें कि राइबोसोमल आरएनए बंधने के अलावा जो इसकी सब यूनिट्स होती है ना राइबोसोमल आरएनए की बताए ना 40S और 60S अब 40S की भी जो सब यूनिट है वो कौन सी है 18S ठीक है और जो 60S की है वो 28S और 5.S ठीक है तो इन आरएनए को बनाने में भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से वो हेल्प करता है ठीक है तो समझे आप इस चीज को कि राइबोसोम आरएनए तो बनता ही बनता है साथ में जो राइबोसोमल आरएनए के जो स्मॉल यूनिट्स हैं 28S आरआरएनए 18S आरआरएनए 5.8S आरआरएनए ठीक है उनको बनाने में हेल्प कौन करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ठीक है फिर बात चल रही है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम्स है इट प्रोवाइड्स हेल्प टू फॉर्म एचएनआरएनए हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए दिस एचएनआरएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए ठीक है ये बताऊंगा अभी आपको मैं ठीक है कि भाई कन्वर्ट किस तरह होता है एचएनआरएनए एमआरएनए के अंदर थर्ड एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ठीक है ये हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए मेनली बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन में रोल है ना वो आरआरएनए का है एमआरएनए का है और टीआरएनए का है ठीक है कंबाइनली दीज थ्री नॉन जेनेटिक आरएनए आरआरएनए एमआरएनए एंड टीआरएनए प्ले मेजर रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस ओके अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स ठीक है वही है इसमें भी तीन प्रोसेस होते हैं तीन स्टेज होती हैं इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन ठीक है अब यहाँ क्या था कि इनिशिएशन के लिए अब इसमें ये होगा कि वहां तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था जो जुड़ता है प्रोमोटर साइट पे बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर्स ठीक है यहाँ यूकैरियोट्स के केस में ठीक है देर आर सिक्स इनिशिएशन फैक्टर्स ठीक है ये बहुत डीप है अभी आप नॉर्मली समझें ठीक है सिक्स इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ठीक है आरएनए पॉलीमरेज की फॉर बाइंडिंग विद प्रमोटर साइट ठीक है प्रमोटर साइट क्या होती है बेटा इनिशिएशन साइट जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अगर जुड़ेगा प्रमोटर साइट पे तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा इनिशिएट होगा ठीक है समझे उसके बाद फिर क्या है कि जो प्रमोटर साइट होती है ठीक है उससे पहले सात नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस बनाता है सेवन नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स या होग होजनेस बॉक्स ठीक है टाटा बॉक्स में TATAAAA ठीक है ये जो टाटा बॉक्स है ये हेल्प करता है प्रमोटर साइट की ठीक है अपने साथ बाइंड करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को ठीक है और सिंपली वी कैन से दैट टाटा बॉक्स इज ए मेजर पार्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रमोटर साइट इट प्रोवाइड्स हेल्प टाटा बॉक्स प्रोवाइड्स हेल्प टू आरएनए पॉलीमरेज सेकंड फॉर बाइंडिंग विद प्रमोटर साइट ओके नेक्स्ट स्टेज इज इलोंगेशन ओके ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रोवाइड्स हेल्प टू फॉर्म एचएनआरएनए ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एचएनआरएनए इज फॉर्मड ठीक है इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स और जो ये एचएनआरएनए है
इट इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए और प्रिकर्सर आरएनए. ओके, एचएनआरएनए हेटरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ जीन्स एक्सोन एंड इंट्रॉन्स. एक्सोन जीन्स आर नोन एज फंक्शनल जीन्स एंड कोडिंग जीन्स और कोडिंग जीन्स. इंट्रॉन्स आर नोन एज नॉन फंक्शनल जीन्स और नॉन कोडिंग जीन्स. ओके, एंड एच एन आर एन ए अनस्टेबल. अब क्या होता है, प्रोसेस चलता है बेटा कैपिंग और टैलिंग. ठीक है, एच एन आर एन ए को स्टेबल करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर देखें एक बार डायग्राम से हम दोबारा रिवाइज करते हैं. ठीक है, कि आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड होता है. ठीक है, इट बाइंड्स विद प्रमोटर साइट. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सिक्स इनिशिएशन फैक्टर्स टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ठीक है, जैसे आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड आके जुड़ा तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा. इनिशिएशन के दौरान फिर चलता है इलोंगेशंस. ठीक है, और बताया ना आपको मैंने कि ड्यूरिंग इलोंगेशंस, ठीक है, एच एन आर एन ए इज फॉर्म्ड. ठीक है, एच एन आर एन ए बनता है सबसे पहले. अब इसमें क्या होता है, देखें जो आर एन ए पॉलीमरेज सेकंड है ना, वो क्या करता है, इस एच एन आर एन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस लगाता है. ठीक है, जो इस स्ट्रैंड्स पर नाइट्रोजन बेसिस है ना, उनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस इस एच एन आर एन ए के ऊपर लगते रहते हैं. ठीक है, अरेंज होते रहते हैं. ठीक है, फिर बताया आपको मैंने कि जो एच एन आर एन ए है वो अनस्टेबल होता है. ठीक है, और इट कंटेन टू टाइप्स ऑफ जीन्स, फंक्शनल जीन्स एंड नॉन फंक्शनल जीन्स. दे आर नॉन फंक्शनल जीन्स एंड दे आर फंक्शनल जीन्स. ठीक है, अब क्या है, प्रोसेस है कैपिंग. इन केस ऑफ कैपिंग प्रोसेस, ठीक है, 7-methyl-guanosine-triphosphate अटैच एट 5' by the help of an enzyme that is called guanyl transferase enzymes, clear, and after attachment of 7-methyl-guanosine-triphosphate, a cap-like structure is formed. This whole process is known as capping. Capping हो गया. ठीक है, capping के बाद, ठीक है, फिर चलता है tailing process. ठीक है, in case of tailing process, 200-300 adenine residues are attached at 3' by the help of poly A polymerase enzymes. Okay, after attachment of 200-300 adenine residues at 3' a poly A tail is formed. This whole process is known as polyadenylation. Okay, फिर चलता है बेटा RNA splicing. फिर इतना ध्यान रखना कि कैपिंग और जब टेलिंग हो जाती है ना, तो एच एन आर एन ए जो अनस्टेबल था इट बिकम्स स्टेबल. आफ्टर दिस आर एन ए स्प्लिसिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. इन केस ऑफ आर एन ए स्प्लिसिंग प्रोसेस, नॉन फंक्शनल जीन्स दैट आर कॉल्ड इंट्रॉन्स, दे आर रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड स्प्लियोसोम. स्प्लियोसोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम एच एन आर एन ए. ठीक है, और जो ये स्प्लियोसोम है इट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ स्नैप स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्लस सम अदर प्रोटीन मोलिक्यूल्स कंबाइंडली दे फॉर्म स्प्लियोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो हेल्प करते हैं. अब जैसे ही इंट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो गैप बन जाता है. ठीक है, दिस गैप इज फिल्ड बाय द हेल्प ऑफ RNA ligase enzymes. ठीक है, अब जब ये रिमूव हो जाते ना तो दे अगेन रिटर्न बैक इनटू न्यूक्लियस. इंट्रॉन्स वापस कहाँ से ले जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, अब जैसे ही अलग हो गए इंट्रॉन्स, ठीक है, तो फिर ये गैप बता ना अभी किससे भरता है, RNA ligase enzymes से, तब जाके बनता है एक अपने पास मैच्योर फंक्शनल mRNA. ठीक है, ये पूरी स्टेज थी. ठीक है, कि भाई यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होता है. इनिशिएशन बताया आपको मैंने, इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन चलता है, इसमें एच एन आर एन ए बनता है. एच एन आर एन ए कंसिस्ट करता है फंक्शनल नॉन फंक्शनल जीन्स. ठीक है, फिर कैपिंग प्रोसेस चलता है. बताया ना कि कैपिंग प्रोसेस में 5' जो एंड होता है वहाँ पर क्या जुड़ता है, 7-methyl-guanosine-triphosphate जुड़ता है. बाय द हेल्प ऑफ गोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर बनती है. उसके बाद फिर टैलिंग प्रोसेस चलता है. टैलिंग प्रोसेस में क्या होता है, 200-300 एडेनिन रेजिड्यूज होते हैं वो अटैच होते हैं कहाँ पर, 3' पे. ठीक है, किस एंजाइम से, पोली ए पॉलीमरेज एंजाइम से. फिर एक पोली ए टेल बनती है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोली एडेनिलेशन. फिर बताया ना आफ्टर कैपिंग और टैलिंग. ठीक है, ये तो कैपिंग हो गया. ठीक है, और ये टैलिंग हो गया. ठीक है, कैपिंग और टैलिंग के बाद जो अनस्टेबल एच एन आर एन था इट कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल एच एन आर एन ए. ठीक है, उसके बाद कि जो
स्प्लिसिंग प्रोसेस था। स्प्लिसिंग में क्या होता है कि इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एच एन आर एन ए बाई स्प्लियोसोम। ओके, स्प्लियोसोम इज ए स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड दिस स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ स्नैप प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, और जब इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, स्नैप की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जुड़कर क्या बनाते हैं, स्प्लियोसोम, ठीक है। और जो इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं दे अगेन रिटर्न बैक इनटू न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो ये कोडिंग जीन्स हैं, ठीक है, कैपिंग टेलिंग दीज कोडिंग जीन्स और फंक्शन जीन्स अटैच विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज एंजाइम्स। नाउ वी कैन से दैट एच एन आर एन ए कन्वर्ट्स इनटू फंक्शनल मैच्योर mRNA। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट जेनेटिक कोड। ओके, थैंक यू।